हेलो एवरीवन। आज मैं वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पाइथन में आउटपुट ऑपरेशन कंसोल पे कैसे हम लोग मैसेज को प्रिंट कराते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंसोल से वैल्यू को कैसे रीड करेंगे, पाइथन में हम लोग कंसोल पे कैसे इनपुट लेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप का वैल्यू क्यों ना हो। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पाइथन में इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। जिस तरह से आप प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे थे आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसी तरह से हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। दिस फंक्शन इज मेनली यूज टू वैल्यू फ्रॉम कंसोल, ओके। लेकिन एक चीज हम लोग को देखना होगा कि इनपुट फंक्शन के द्वारा जो भी इनपुट होता है, इनपुट फंक्शन के द्वारा जो भी हम लोग इनपुट लेंगे वो एज ए स्ट्रिंग होगा, एज ए स्ट्रिंग होगा। उस स्ट्रिंग को आपको अगर अदर डेटा टाइप में न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्जन फंक्शन के थ्रू आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो कि अगर नेम इनपुट करना है तो नेम तो एज ए स्ट्रिंग है, उसको तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि दो वैल्यू इनपुट करना है, उस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इनपुट स्टेटमेंट के द्वारा जो भी इनपुट होगा वो एज ए क्या होगा, अस्ट्रिंग होगा। तो आप उस पे न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको न्यूमेरिकल टाइप में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। जैसे इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन यूज करते हैं, अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन यूज करते हैं, जिसको हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि टाइप कास्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच वन डेटा टाइप कैन बी कन्वर्टेड इंटू अनदर डेटा टाइप, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, जिस वेरिएबल में आपको इनपुट लेना है वेरिएबल का नाम देंगे, इक्वल टू इनपुट फंक्शन देंगे और प्रॉम्प्ट मैसेज देंगे, यानी इनपुट लेते समय क्या मैसेज पूछेगा, ओके। तो जैसे सपोज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनपुट में अगर मैसेज नहीं दिया तो कोई प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं होगा, ठीक है। एज यहाँ पर बस वैल्यू डायरेक्ट हम लोग इनपुट करेंगे और वैल्यू हमारा एज किस में इनपुट होगा, एज वेरिएबल में, और उसको क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। फिर ऐसे भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ये जो देख रहे हैं इसमें मैंने प्रॉम्प्ट मैसेज दिया एंटर योर एज, ठीक है। तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, पूछेगा एंटर योर एज। तो चलिए क्यों नहीं इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी चेक कर ले कैसे आप इसको यूज करेंगे। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे आइडियली स्टार्ट है, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, ओके। मान लो कि दो वैल्यू मुझे इनपुट लेना है, पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू भी इनपुट ले लेते हैं, इंटर योर नेम। तो नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पर दिया इनपुट, अभी कोई भी मैसेज मैंने नहीं दिया और डायरेक्ट मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट, ठीक है। जो भी हो आई एम, अब यहाँ पर नेम प्रिंट करना चाहिए तो किस वेरिएबल में आपने इनपुट लिया है, नेम में। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस फोल्डर में सेव कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर इनपुट नाम का फाइल दे दिया, ओके। अब इसको हम लोग यहाँ से रन कराएंगे, रन, ठीक है। अभी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं है, मैंने यहाँ पे इनपुट लिया और इंटर प्रेस किया, आया आई एम नीरज। तो जब भी यूजर फ्रेंडली इनपुट क्या होगा, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे तो वहां पर यूजर फ्रेंडली मैसेज आना चाहिए कि क्या करना है, यूजर को मालूम चलना चाहिए इंटर योर नेम, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज देंगे, वहां पे जो पूछेगा, आस्क करेगा आपसे, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ओके। अब इसको जब आप रन कराएंगे तो यहां पे इंटर योर नेम, मैंने नेम इंटर किया, ठीक है, ओके, आई एम नीरेश। तो आप जान गए कैसे हम लोग, लेकिन जो भी वैल्यू है एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू है, अब मुझे अगर इनपुट लेना हो, ठीक है, इंटीजर टाइप का वैल्यू, मैंने इसको कमेंट सेक्शन बना दिया पाइथन में, कमेंट ट्रिपल कोट से आप स्टार्ट करेंगे मल्टी लाइन कमेंट के लिए,
ट्रिपल कोट देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन बन गया। ट्रिपल कोट की जगह आप सिंगल कोट भी दे सकते हैं, थ्री टाइम्स सिंगल कोट से भी इनक्लोज कर सकते हैं। अगर सिंगल लाइन कमेंट यूज करना चाहते हैं तो हैश यूज करते हैं। ओके, अब यहां पे मैंने इनपुट ले लिया दो वैल्यू, ए इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ओके, और फिर मैंने यहां पर दे दिया बी इक्वल टू इनपुट सेकेंड नंबर, ओके। अब हम लोग यहां पे सम करना चाहते हैं तो सम इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। अब इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एडिशन इक्वल टू कॉमा सम, राइट। अब इसको हम लोग रन कराते हैं, रन मोड, इंटर फर्स्ट नंबर 10 20, ठीक है। अब देखिए आउटपुट क्या आया, 10 20, यानी दोनों रिजल्ट को कॉनकेटनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि पाइथन में प्लस जो हमारा होता है वो दो स्ट्रिंग को कॉनकेटनेट करता है। स्ट्रिंग को कॉनकेटनेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, प्लस ऑपरेटर को। तभी तो ए में इनपुट किया था 10, बी में क्या इनपुट किया था 10, तो 20 10 के साथ कॉनकेटनेट हो गया, अपेंड हो गया, एड हो गया। तो इसको अब कन्वर्ट करना होगा मुझे क्या, इंट फंक्शन के थ्रू। इंट एक फंक्शन है, कन्वर्जन फंक्शन है, जो स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इंट यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब आप इसको रन करा के देखिए, रन, और ये मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि आप मोबाइल पे कैसे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आप वहां पर भी एग्जीक्यूट कराएंगे, वहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा गूगल कोलैब में जब रन कराइएगा। तो इंटर फर्स्ट नंबर 20, फिर मैंने क्या दे दिया 30, देखिए इस बार आउटपुट हमारा क्या आया, सही आया, एडिशन इक्वल टू 50, ओके। तो आप पाइथन में ये भी समझ गए कि इनपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, इनपुट हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इनपुट फंक्शन के द्वारा जो इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। अगर अदर न्यूमेरिकल टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कन्वर्जन फंक्शन यूज करते हैं। इंट इंटीजर टाइप में वैल्यू कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, इंट की तरह ही फ्लोट फंक्शन है। आगे हम लोग टाइप कन्वर्जन फंक्शन पढ़ेंगे, ओके। चलिए तो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं बताऊंगा प्रोग्राम्स कुछ, ठीक है, थैंक यू।